दादाशाही नहीं चलेगी, दादाशाही नहीं चलेगी। कुरार गांव अप्पापाड़ा स्थित पोईसर नदी के किनारे बसे लोगों का पुनर्वसन अभी भी अधर में लटका पड़ा हुआ है। इस बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 1 जून को स्थानीय रहवासी व विधायिका विद्या चौहान के साथ बैठक व निर्णय लेने के लिए चर्चा का समय दिया हुआ था, लेकिन मनपा के पी उत्तर विभाग के सभी अधिकारी बिना किसी सूचना के यहां पर बसे लोगों का घर उजाड़ने पहुंच गए। इनकी सूचना मिलते ही रस्तानिया राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की विधायिका विद्या चौहान के नेतृत्व में तालुका अध्यक्ष वैभव हरडकर सहित सैकड़ों स्थानीय नागरिकों ने सड़क दस्ते का घेराव व जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन को दिंदोशी विधानसभा के सभी पक्षों ने मिलकर समर्थन दिया। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता अरुण सुरवे ने कहा कि इस प्रकार की जोर जबरदस्ती हम चलने नहीं देंगे, वक्त पड़े तो अपनी स्टाइल में जवाब देने के लिए भी हम तैयार रहेंगे। ज्ञात हो कि यहाँ बसे लोगों की सिर्फ इतनी ही मांग है कि उन्हें शासन के नियमानुसार 269 स्क्वायर फुट का घर मिले, जबकि कुछ भ्रष्ट अधिकारी व नेताओं के चलते इसे पुराने 225 स्क्वायर फीट के जर्जर इमारत में पुनर्वसन करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इस समर्थन में शामिल हुए शिवसेना का नगर सेवक आत्माराम चाचे ने कहा कि गरीबों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, भले ही इनके विधायक यहां पर मौजूद है, लेकिन इस बात पर चर्चा की जा रही है कि लोगों के साथ न्याय किया जाए। इस मौके पर राष्ट्रवादी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय पदाधिकारियों ने जाहिर समर्थन इन लोगों को दिया। बहरहाल माहौल को देखते हुए मनपा दस्तक को खाली हाथ ही लौटना पड़ा। इस बीच मुख्यमंत्री के साथ 1 जून को बैठक के बाद ही पता चलेगा कि इन गरीबों के लिए कौन सा रास्ता खोला जा रहा है। मुंबई पड़ी लोकांची एक दुसरबद्दल की भावना आणि एकत्र येण्याची भूमिका आज लोकांना दिसली आहे। आज जरी हा विषय काही थोड़ा बहुत लोकांसाठी असेल 100, 200, 572 लोकांना, परंतु पूर्ण आप्पापाड्याचे सर्व पक्षीय लोकप्रतिनिधी या विषयासाठी एकत्र झाले, हे सगळ्यांसाठी फार मोठे अभिमानाचा विषय आहे। आणि आप्पापाड्यातल्या लोकांवर जेव्हा कधीसुद्धा वाईट संकट येतं तेव्हा आम्ही आमचे पक्षीय विचार सोडून लोकांच्या हक्कासाठी सगळे एकत्र येतो, हा आमच्या आप्पापाड्यातील लोकांसाठी अभिमानाचा विषय आहे। आजची कारवाई अशी होती की महापालिकेने 30 तारीखची लोकांना अवधी दिला होता, 30 तारीखपर्यंत आपण आपलं पुनर्वसन दिलेल्या चाव्या घेऊन आपल्या घरात जावं, परंतु लोकांना ते जिथे शिफ्टिंग दिलेली आहे त्या बिल्डिंगला रस्ता नाही आहे, इधर जाने के लिए वहां पर एक्सेस नहीं है और अभी भी वहां पे पानी की किल्लत है। ऐसी जगह पर ये लोगों का पुनर्वसन करना चाह रहे थे। 10 साल पुरानी बिल्डिंग है और उसका कारपेट एरिया 225 ये लोग कहते हैं, पर फिजिकल अगर उसका चेकअप करेंगे तो 180 स्क्वायर फीट ही है। और ऐसी जगह पे जब शासन का GRA 269 का फिर भी गवर्नमेंट के विरोध में जाते हुए पालिका कर्मचारी ये सब किसके दबाव में कर रहे हैं, ये जनता भी जानती है, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। और ऐसे हालत में अचानक में बुलडोजर बड़ा पुलिस फोर्स लेके महानगर पालिका के अधिकारी यहाँ पर आज आए और उनको विरोध करने के लिए सभी स्थानीय लोक प्रतिनिधि शिवसेना के हैं, हमारे स्थानीय नगर सेवक राष्ट्रवादी की ओर से हम हैं, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से, सभी लोग एक होकर इनका विरोध किए। और आज उनको ये बात बताए जब तक हमारी मीटिंग मुख्यमंत्री साहब से पूरी नहीं होती, हमको पूरा निर्णय नहीं मिलता, तब तक हम लोग हमारा घर में कैसे रहेंगे हमारी बात है, आप कोई कार्रवाई नहीं करें, ये बात पे कर्मचारी पालिका कर्मचारी सब फिर चले। त्याचे सर कहने का सत्ता आपली पंचसाठी आम्ही प्रेशर करत नाही आहे, 269 मिळावे अशी आपली मागणी पूर्वीपासून आहे आणि ती आजपर्यंत चालू आहे। उद्यासुद्धा SRA कडे या संदर्भात आम्ही आमदार सुनील प्रभू साहेब यांनी मीटिंग उद्या लावलेली आहे त्यांच्यासाठी,
आणि त्यांनी सुद्धा प्रत्येक वेळेला 269 आपल्याकडे मिळावेत यासाठी नेहमी प्रयत्न करत आहेत, परंतु महापालिका सांगते की आमच्याकडे उपलब्ध नाहीत आणि म्हणून हे राहिलेलं आहे। परंतु सुनील प्रभूसाहेब उद्यासुद्धा एसआरकडे मीटिंग घेऊन यासाठी तात्काळ प्रश्न सोडवावा यासाठी उद्या तात्काळ मीटिंग लावली। चाचे साहेब जागा अवेलेबल आहे, एमएमआरडीची जागा स्वतः या आपापाड्यात आहे, पीएपीचे घर आहेत, एमएमआरडीचे घर आहेत, एसआरएचे एमएमआरडीची घरं आणि बीएमसी बाकी घरांसाठी ती नाही, ते दुसऱ्यासाठी आहेत, आपल्यासाठी नसल्या कारणानं त्याची हँड ओव्हर बीएमसीकडे झाली नसल्या कारणानं ते अद्याप बीएमसी करू शकली। बैठक मुख्यमंत्रीकडे होणार आहे, त्याची 1 तारीख आहे, त्या 1 तारखेपर्यंत आम्ही बीएमसीला अख्ख्या जनतेने एक निवेदन दिलं आहे की 1 तारखेपर्यंत काही करू नका। 1 तारखेनंतर बीएमसीकडे मुख्यमंत्र्यांची जी बैठक होईल त्या बैठकीमध्ये जे काय होईल, तर मला वाटतं आज जी बीएमसीला इथून आम्ही लोकांनी विरोध करून निघून निघालेत पाठवलेत इथून, तसाच विरोध मुख्यमंत्रीकडे पण आम्ही करू आणि आपला जो प्रश्न आहे आपली जी मागणी आहे ही पूर्ण करण्याची, पूर्ण 100% करण्याची सर्व पक्षी आम्ही करू। यादव जी, अभी हम लगातार 2 साल से यहाँ की जो गरीब जनता है 20 से 25 साल से जो अपना रूम बनाकर यहाँ पर रहते हैं, हम सभी 2 साल से बीएमसी ने जब से हमको नोटिस दिया है नाला और नदी रुंधीकरण के लिए, तब से हम यहाँ के स्थानीय आमदार से बराबर हम संपर्क में रहकर कम से कम 16 से लेकर 17 मीटिंग हमने की है और हमारे आमदार ने हमें हमेशा कहा है कि 269 का घर आपको देंगे, लेकिन आज जब बरसात हमारे सर पर एकदम नज़दीक आ गई है तब हमको जो सामने की दीवार बांधी गई है उस दीवार का डर देकर और पानी आपकी बस्ती में भयंकर घुसेगा, जान माल की हानि होगी, ऐसी धमकी बीएमसी वाले देकर यहाँ के रहवासियों को डरा धमका कर जबरन आज पुलिस फोर्स लेकर हमारा घर तोड़ने के लिए आए थे। लेकिन हम यहाँ की जनता जो हम यहाँ 20 से लेकर 25 साल से रह रहे हैं, हमारा सारा संसार यहाँ पर है, उसको उजाड़ने के लिए जबरदस्ती बीएमसी आई थी। आज यहाँ पर सभी जो यहाँ के नेतृत्व करने वाले हमारे सभी लोग यहाँ के अप्पापाड़ा के रहवासी जितने हैं, ये लोगों ने आज बीएमसी को और पुलिस को विरोध किया है और हमने उनको वापस भेजा है। आगे भी जब तक 269 का घर हमको नहीं मिलता है तब तक हम सभी मिलकर 269 का घर लेने के लिए संघर्ष करते रहेंगे और जब तक 269 का घर नहीं मिलेगा तब तक हम अपना घर यहाँ से छोड़ेंगे नहीं, किसी भी हालत में चाहे कुछ भी हो जाए हम अपना घर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है जब तक कि 269 का घर नहीं मिलता। हम नाला बांधने के लिए, नदी रुंधीकरण करने के लिए हमारा विरोध नहीं है, जो भी अच्छा काम हो रहा है हम उसका सहयोग करेंगे, लेकिन सरकार का जीआर होते हुए भी हमको ये 269 के बदले में 225 का घर और वो भी भंगार बिल्डिंग 10 साल पहले की बनी हुई, हम यहाँ के स्थानीय लोग हैं, हमारे सामने वो एकदम थर्ड क्लास क्वालिटी की बनाई हुई बिल्डिंग, उसमें हमको जबरन क्यों ढकेला जा रहा है, ये हम प्रशासन से जानकारी चाहते हैं। यादव जी, स्थानीय विधायक की बहुत बड़ी भूमिका होती है, अभी तक नजर नहीं आया विधायक। स्थानीय विधायक की भूमिका के कारण ही हम सभी आज इतने सालों से उनके पीछे लगे हुए थे, हमें ये भरोसा था कि वो हमारा सहयोग करेंगे। आज भी लोगों के बोलने के हिसाब से वो अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यहाँ की जनता को उनका प्रयास कुछ पता नहीं चल रहा है, क्योंकि आज यहाँ की जनता को उनका घर से बेघर करने की बारी आ गई है, ऐसी परिस्थिति यहाँ पर निर्माण हुई है। क्या लगता है फैसला क्या आना चाहिए? फैसला तो हम लोग के पक्ष में आना चाहिए। मैं यहाँ 20-25 साल से रहता हूँ और हमारे वार्ड के नगर सेवक आत्माराम चाची जी हैं, मैं इनका सहयोगी हूँ, शाखा प्रमुख हूँ उस वार्ड से, और 2016 में जब नोटिस लगी थी तब से आमदार साहब को हर मीटिंग में हर जगह मैं याद दिलाता सर हम लोगों को 269 घर मिलना चाहिए, बात काम चालू हुआ तब तक, और अपने नगर सेवक साहब को भी बोला सारी बात हो रही है आपको 269 हमको आश्वासन अभी तक मिलते गया कि 269 घर आपको मिल के रहेगा। लेकिन ये नाला देवकी भाई कंपाउंड तक तो ठीक था क्योंकि वो ओपन प्लॉट था, इधर उधर से 5 फुट छोड़ करके इधर 5 फुट कटिंग करके नाला बन गया। जब तक हमको, हम स्थानीय नगर सेवक अपने आमदार साहब अपने खासदार साहब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जब अपने पास घर अवेलेबल नहीं हुआ तो उसी जगह काम रोक देना चाहिए क्योंकि दीवार 5 फुट छोड़ के आगे बन गई है, तो ऑलरेडी बारिश होगी तो पक्का जो 10 रूम बहते थे आज 100 रूम बहेंगे। और अपने लिए जो उस दिन 15 तारीख को नोटिस निकलती है, 16 तारीख को घर विड्रॉल होने के लिए लॉटरी के लिए मतलब कि बुलाया जाता है, हमारे वार्ड के 38 के नगर सेवक, 39 के नगर सेवक, अपने वैभव साहब, विद्याताई चौहान,
सब लोग वहाँ गए थे और विरोध किए कि ये मतलब कि लाइटरी सिस्टम मत करो, एक तारीख तक हमारा मीटिंग चालू है उसमें करेंगे। क्या मीटिंग हुई, क्या होने के बाद, मतलब कि हम लोग आने के बाद एक घंटे के बाद उनका मतलब कि नोटिस पे लिखे हुए हैं कि सबको गैर मौजूदगी में मतलब कि ये किया गया है, और नोटिस अलॉटमेंट करके सबके घर पे चिटकाने के लिए आगे चिटका करके फोटो लेके अपना गए। हमको हमारा हक 269 का मिलना चाहिए। हमारे नगर सेवक साहब, हमारे आमदार साहब, हम सबको मतलब 14 मई 2008 का जो जीआर निकला है उसमें लिखा हुआ है 225 स्क्वायर फीट के बदले 269 घर बिना मूल्य देना चाहिए उसमें। उसके बाद जो कुरार गांव में, कुरार गांव की बात तो नहीं बल्कि पूरे मलाड ईस्ट वेस्ट में जो एसआरए का बिल्डिंग बना है उसमें किधर किधर पीएपी है, तो कुरार गांव का भी उसमें टिक मार के मैं दिया हूं कि भाई इस बिल्डिंग में इतना इतना खाली है, आप उसके लिए प्रयास कीजिए कि ये हमको मिलना चाहिए। दूसरा ये अपना स्वामी स्कूल के पीछे जो नाला कटिंग मतलब कि वो भी चालू है, उसमें हमारे नगर सेवक साहब थे, बीएमसी के अधिकारी उनके सामने ही बोले थे, मैं उसमें था, मौजूद था, दोनों वार्ड के नगर सेवक थे, भोजपुर नगर सेवक थे, उन्होंने बताया था कि आप लोग 542 जो मतलब कि घर जा रहे हैं उसका मतलब कि पूरा नहीं, जो अभी फिलहाल दिक्कत में आने वाले हैं पार्ट पार्ट मांग करिए, पार्ट पार्ट उसको कराइए, क्योंकि उधर का दीवार बन जाएगा तो रोड बनेगा तो 2 साल लगेगा कि 4 साल लगेगा, लेकिन इधर का जो बनने वाले हैं इसके लिए मतलब कि क्या हुआ सर, वो अपने को पता नहीं पड़ा अभी कैसे मतलब कि जो है नहीं हो पा रहा है, और हमको घर बीएमसी तोड़ने के लिए आई, इसका हम विरोध किए और उन्होंने मतलब कि हमको टाइम दिया, इसके लिए बीएमसी का, पुलिस वाले का सबका धन्यवाद। और हमारे साथ में हमारे वार्ड के नगर सेवक, हमारे वार्ड के मतलब कि बगल के वैभव भड़कर जी, हमारे मतलब कि उसके मनसे के मतलब कि दिंडोसी विधानसभा अध्यक्ष अरुण जी सुरमे जी और अपना राकेश धनौड़े जी आए, इतना पब्लिक आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कि यहाँ पे जब भी यहाँ के रहवासी पे अन्याय होगा, हमारा पक्ष, हमारी पार्टी ये साइड में रख के हम सब एकजुट होकर उनके साइड से खड़े, क्योंकि इनके वजह से हम लोग हैं। पार्टी कब होती है, जब पब्लिक हमारे साथ होगी, जब हमारी पब्लिक ही हमारे साथ नहीं रहेगी। इनको जबरदस्ती अगर नाहूर भेजने की बात कोई करेगा तो हम सब मिलकर उसको नाहूर भेज देंगे। और बीएमसी प्रशासन को आपके माध्यम से बोलना चाहूंगा, जो गलतियां उन्होंने की है उनको सुधारें, ना कि लोगों को दादागिरी करके यहाँ से निकालने का प्रयास करें। अगर वो दादागिरी पे उतर आएंगे तो दादागिरी करने के लिए आप्पा पाटे का नाम मुंबई में सबसे पहले आता है, और हम लोग दिखा देंगे आप्पा पाटे की जनता की दादागिरी क्या होती है। आपके माध्यम से इतना बताना चाहूंगा कि दादागिरी की भाषा यहाँ पे आके कोई नहीं कर सकता, हम लोगों के साथ खड़े हैं, और उनको जो भी कार्रवाई करनी है उनको पहले हमारे से गुजरना होगा। और यहाँ पे मुख्यमंत्री जी की बैठक होगी, वहाँ पे निर्णय क्या होगा क्या नहीं वो आगे की बात है, लेकिन हमारा आज भी स्टैंड वही है कि 269 का घर ही चाहिए हमको, इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए, और हम ये लेके रहेंगे प्रशासन से। अरे नहीं चलेगी नहीं, आमच्या मताने निकाल आमचा लागलाच पाहिजे, पण केला नाही, ह्या लोकांनी दिला नाही आम्हाला। आता वैभव भाऊ, विद्याताई आमच्यासाठी कितीतरी मेहनत करीत आहेत, पण तरी पण ह्या लोकांनी 30 तारखेला आता आमचा काय निकाल होणार होता, तरी ह्या लोकांनी अगोदरच बीएमसीला बोलून तोडफोड करायचं ही विचार या लोकांनी मांडला, असं तरी आमचे सगळे, आमच्या ताडीचे आमचे सगळे भाऊ बंधू सगळे आमच्या मदतीला सगळे आलेले आहेत इथं, तर मग आता जास्त काही नाही म्हणणार।